नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को 4 नवंबर को होने वाला वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ में ये जो क्वेश्चंस है कि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विषय है आपका हिंदी और क्लास है टेंथ। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। साथ में आप लोग को ये भी पता होगा कि इस चैनल पे 2024 का पुराना साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड किया गया है, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, सब्जेक्टिव अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी उस सब वीडियो को भी जाकर देखना है जो लोग 2025 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा यशपाल। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तो नवाब साहब जो थे वो खीरे का तैयारी करने के बाद उसको क्या किए, खिड़की के बाहर फेंक दिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है। चलिए, लखनऊ जो है किस प्रदेश की राजधानी, किस राज्य की राजधानी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे उनका कमेंट को पिन आउट कर दिया जाएगा, जो सभी लोगों को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरे का कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, तो खीरे बेचने वाले। ठीक है, खीरे बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहा था। तो ट्रेन का 2nd क्लास में लेखक जो था वो सफ़र कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था, टमाटर, खीरा, प्याज, मूली। तो क्या खरीदा था, खीरा खरीदा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक यशपाल की मृत्यु कब हुई। लेखक यशपाल की मृत्यु कब हुई, तो याद रखिएगा 1976 में। कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था। लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था, तो ये जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा जन्म कब हुआ था, 1903 में हुआ था। कब हुआ था, 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है। तो लखनवी अंदाज जो है वो व्यंग प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वार्तालाप की शुरुआत किसने की। वार्तालाप की शुरुआत किसने की, तो नवाब साहब ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले एक और बात आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि आप लोगों का वीकली टेस्ट जो 4 नवंबर को होने वाला है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका कुछ और वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वो सब वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, जैसे कि उत्साह और अट नहीं रही, ये सब चैप्टर का वहाँ पर वीडियो देखने को आप लोग को मिल जाएगा। वो सब वीडियो आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, जितना वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहे हैं ना, वो सब वीडियो को देख कर जाइएगा, जो कि आप लोग का वीकली टेस्ट में तो मदद करेगा करेगा ही, और साथ में आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। तो लेखक की दृष्टि में खीरा जो है मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो लेखक के अनुसार जो नवाबों का प्रमुख विशेषता क्या है, तो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, अपने को दूसरों से अच्छा समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है।
ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो जानने से पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा जो आप लोग का फाइनल एग्जाम होता है उसमें ये कितना बार पूछा गया है, 3 बार, 4 बार पूछा गया। 2011 में पूछा गया, फिर 13 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, और फिर 20 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अगर इसका आप आंसर कुछ और याद करके पहले से रखे हो तो उसको याद करो, ठीक है। लेकिन याद रहना चाहिए आप लोग को आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा, जब लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में दाखिल हुआ, मतलब चढ़ा, जब उपस्थित हुआ वहाँ पर आया, तो उसने एक बर्थ पर पलथी मारकर बैठे हुए नवाब साहब को देखा। लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव आ गया। नवाब साहब लेखक से बिना बात किए कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। नवाब साहब की इन हाव भाव से लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसा स्वभाव को इंगित करता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2009 में पूछा गया, फिर 19 में भी पूछा गया है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा का बात कर रहे हैं। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखलाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था, ठीक है। उनका ऐसा करना दम्भ, मिथ्या आंबर और प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। ये जो क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया और 20 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस सबको आप लोग को देखते चलना है। यहाँ देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिना घटना अथवा पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कहानी के लिए घटना एवं पात्रों का होना बहुत जरूरी है। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ, यदि कुछ घटना घटी है, घटी ही नहीं तो क्या हुआ का पता कैसे चलेगा, ठीक है। अतः यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत है कि घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये बात तो बिल्कुल सहमत है कि बिना घटना और बिना पात्रों का कहानी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जब पता ही नहीं चले क्या हुआ तो कहानी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है। लखनवी अंदाज जो पाठ है उसका संदेश क्या है। ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया, 17 में पूछा गया और 18 में पूछा गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है, ठीक है, और साथ में याद करना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, और आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम इस पर काम कर सकें। आगे देखिएगा, लखनवी अंदाज जो है नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी हैं, अवास्तविक हैं। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निर्थक है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जिसको आप लोग को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग को एक बार नहीं समझ में आए तो क्या समझ में नहीं आ रहे हो कमेंट करके बताओ, या आप ऐसे में ऊपर नीचे वीडियो देखे हो तो आप लोग एक बार फिर से शुरू से वीडियो को देख लो, एक दो बार वीडियो को देखो, समझ में बिल्कुल आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ में अगर और भी क्वेश्चन आप अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर और भी क्वेश्चन से रिलेटेड देखने को आपको मिल जाएगा। साथ में आप लोग का एक भी बात बता दी कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कुछ वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।